अब चलते हैं हठ प्रदीपिका पर हठ प्रदीपिका में आप सभी को पता है कि चार यूनिट है सर है ना बोस्ती पुस्तकों में आपको चार ही अध्याय मिलते हैं एक्सेप्शन कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित जो बुक है उसमें आपको पांच मिल जाते हैं क्योंकि इन्होंने कहते पांडुलिपि जो पांडुलिपिन्स पुराना शास्त्र जो ओरिजिनल लिखा गया था कभी तो कहते हैं हमारे हाथ में वो भी लग गया है कैवल्य धाम वाले ये बोलते हैं तो हमने उसके भी जो है आ, लिख दिए है श्लोक और जो हमें मिला तो उसको हमने लिख दिया तो पांचवा यूनिट हमने सबसे पहले छापा ये कहते हैं तो इसलिए हो सकता है कुछ हठ प्रदीपिका के जो प्रकाशन है

पहले यूनिट में आप लोगों ने देखा था कि सर सबसे पहले तो भगवान आदिनाथ ने माता पार्वती को उपदेश दिया उसके बाद में कुटिया का निर्माण आया साधक बाधक तत्वों का वर्णन आया आसनों का वर्णन आया और मिताहार आदि का वर्णन आया पथ्य पथ्य का वर्णन आया पहले में दूसरे में हमें नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिला नाड़ी शुद्धि का उसके बाद में हमें और क्या मिला षटकर्मों का वर्णन मिला सर षटकर्म मिले वहां दूसरे में और प्लस में क्या मिले थे आपके कुंभक भी दूसरे यूनिट में मिले थे आठों के आठों कुंभक और हठ सिद्धि के लक्षण भी मिले थे सिद्धि के लक्षण इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट श्लोक में मिला था सिद्धि के लक्षण मिले थे ठीक है दूसरे में तीसरे की बात करें तो सर इसमें हमें मुद्राएं मिली थी और कितनी मुद्राएं थी दस मुद्राएं थी उनके बारे में मिला था और कुंडली जागरण शक्ति चालन मिली थी जिसमें कुंडली जागरण के अनेक उपायों का वर्णन देखने को हमें मिला था फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट में आपको क्या मिला था फोर्थ यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो नादानुसंधान है आपका नादानुसंधान है ना और शांभवी मुद्रा का एक्स्ट्रा रूप में वर्णन किया गया वो भी हमें इसी में मिली फोर्थ यूनिट में ठीक है तो ये आपको चार चीजें मिली थी यहाँ पर ओके अब पांचवा यूनिट यूनिट है तो पांचवी में क्या मिला है? कि जब आपने ये चारों चीजें की चतुरंग योग किया आसन प्राणायाम बोले या कुंभक बोले फिर मुद्रा बोले या फिर लास्ट में नादन संतान ये चार चीजें जब आपने चतुरंग योग का अभ्यास किया हो सकता है कहते आप जो साधक है वो गलत अभ्यास कर ले किसी दृष्टिकोण से आसन बताए अच्छे से करने से पर वो गलत तरीके से कर ले प्राणायाम जिस तरीके से बताया नए करके गलत तरीके से कर ले तो उसको गलत नुकसान हो सकता है उसका तो कहते जो नुकसान होगा उससे बचने का उपाय क्या है उसको हमने क्या नाम दिया यौगिक चिकित्सा कहते थे कुछ ही चीजें हमारे काम की है बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीजों उन पर हम टारगेट करेंगे है ना ओके तो सबसे पहले तो हमें सभी को पता है त्रिदोष तीन होते हैं वात पित्त कफ इनको बोलते हैं वात पित्त और कफ वात जो होती है एक तरह से समझने के अर्थों में हम क्या बोल देते हैं सरवायु है ना समझने के लिए पित्त की बात करें तो पित्त को हम कह देते हैं गर्मी जब कहते हैं कि पित्त बढ़ गया है है ना एक तरह से एसिडिटी खट्टी डकार या जो एच है वो ज्यादा बनने लग गया है ना इस तरीके से हम ले, ले लेते हैं पित्त को गर्मी के रूप में बताते हैं कफ को बात करें तो कफ चिकनाई युक्त द्रव्य मानते हैं जिसको हम ठंडक का प्रतीक मानते हैं एक तरह से आ, चिकनाई या फिर ऐसे स्निग्धता का प्रतीक मानते हैं स्निग्ध जैसे नासिका से कफ बहता है सर्दियों में है ना तो स्निग्ध चिकना का प्रतीक मान देते हैं समझने के अर्थ में केवल है ना इनको डेप्थ में हम बहुत अच्छे से समझेंगे बाद में अभी केवल हम आपको कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को ना इजीली हम समझ जाएं इन वात पित्त कफ आप लोगों को हेल्थ की अगर परिभाषा पता हो किसी विद्यार्थी को तो वो इजीली समझ पाएंगे सम दोष है ना धातु ना? है नोष सम धातु निश्च है, है आ, ना समातु समाग निश्च समु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ दीयते है तो सम दोष दोष जो है कितने है? तीन दोष हैं और तीनों दोषों का सम होना मीन संतुलित तो होना क्या है स्वास्थ्य है और इनका असंतुलित तो होना क्या है रोग होता है ठीक है तो दोष तीन है इनका ये तीनों ही है बात कफ इनका अगर संतुलन होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और इनका असंतुलन होगा तो बीमारी रहेगी है ना ये बातें हमें पता है ऑलरेडी ओके इसके इसमें कोई संचान है किसी को भी ओके आगे अगर हम बात करें पांच तत्व इन चीजों को जोड़ने के लिए पांच तत्व कौन कौन से हैं जैसे एक विद्यार्थी ने किसी ने बताया था मुझे एक बार क्लास में कि पांच तत्व है सर आकाश वायु अग्नि जो भी अलग अलग बोला था तो इनकी सीक्वेंस आपको इंपॉर्टेंट है है ध्यान रखनी हमेशा ही है। जो भी पांच तत्व है इनमें जो सूक्ष्म चीज होती है कोई भी चीज होती है देखो विद्यार्थियों जो नए विद्यार्थी स्पेशल से कभी भी वस्तु का निर्माण जो होता है न, ना वस्तु का निर्माण है ना प्रोडक्शन जो होता है वो छोटे स्तर से होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे सूक्ष्म से शुरू होता है और निर्माण होते 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 वो बड़ी चीज बन जाती है जैसे हम हैं है हाँ ना हम ए, हम हमारे माता पिता की केवल एक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से पैदा हुए इतना बड़ा हमारा शरीर बन गया एक महल है वो कुछ दो चार ईंटें और उसमें कुछ आ, सीमेंट आदि के है हाँ ना टुकड़े छोटी छोटी चीजों को जोड़ा गया और एक बहुत बड़ा महल तैयार हो जाता है है हाँ ना ऐसे ही हमेशा छोटी चीजों से छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी स्थूल चीजों का निर्माण होता है ये आपको सिद्धांत ध्यान रखना है हमेशा ही जीवन का ही हमेशा सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता है और स्थूल से सूक्ष्म में वापिस चली जाती है चीजें जहां से आई है वहां से वापिस चली जाती है मतलब किसी चीज की अगर शुरुआत होगी तो उसका अंत जरूर होगा जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत जरूर होगा और जिसकी शुरुआत नहीं होगी जिसको हम क्या बोलते हैं अनादि जिसकी शुरुआत ही न हो ठीक है जिसकी शुरुआत ही न हो उसका कभी भी अंत नहीं होगा है ना अंत भी नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे अनंत तो ऐसा कौन है ऐसे दो तत्व ही है ईश्वर आत्मा आदि की बात करते हैं हम अनादि और अंत है ना बाकी सब तो कहते कभी कभी शरीर जो है पैदा होता है शुरुआत होती। नहीं आ, रही क्या? आ रही है नहीं आ रही मेरी अच्छा ओके एक मिनट में चेक कर लेता हूं अभी क्लियर है ओके थैंक 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 यू थेंक यू थेंक यू सो मच अगर बीच में आवाज ना आए प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा है ना बता दीजिए ओके थैंक यू ठीक है तो मैं भी ये बात कर रहा था हमेशा चीज का निर्माण जो होता है सूक्ष्म से छोटी छोटी चीजों से जो है बड़ी चीज का निर्माण होता है बहुत बड़ी चीज का निर्माण होता है सूक्ष्म से बड़े का निर्माण होता है ये सिद्धांत अपने को क्लियर रखना है तो ऐसे ही योग में कहा जाता है कि सृष्टि जो निर्माण हुआ है वो पंच महाभूतों से पंच महाभूत और ये अति सूक्ष्म है जिनको आप बोलते हैं ना पृथ्वी महाभूत तो पृथ्वी का मतलब अर्थ से नहीं लेते महाभूत की जब बात करते हैं हालांकि इंग्लिश में अर्थ बोलते बोलते हैं हैं पृथ्वी ग्रह को बट जब पृथ्वी महाभूत हम टर्म यूज करते हैं तब पृथ्वी महाभूत मीन्स नोट अर्थ है ना तब पृथ्वी महाभूत मीन पृथ्वी ही रखेंगे इंग्लिश में एज इट इज ठीक है ओके तो अब इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे कि ये जो पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जो है ये पंच महाभूत इनकी सीक्वेंस है इनकी सीक्वेंस है इनकी सीक्वेंस की अगर बात करें मानसी जी बिल्कुल करूंगा मैं स्लाइड पीछे एक बार पहले जो समझाना चाह रहा हूं उस पर चले है ना वो समझ ले एक बार ठीक है पंच महाभूत तो इसमें से सबसे पहले कहते हैं कि आकाश जो है ना कहते हैं उसकी उत्पत्ति हुई ये सर्वमान्य सिद्धांत या शुरुआत शुरुआत में से से माना गया ये पहले ही है ना क्यों है ऐसा नहीं है हर टेक्स्ट बोलता है कि आकाश तत्व की पहले उत्पत्ति हुई कहते हैं ये सबसे सूक्ष्म है उसके बाद में आकाश के बाद में कहते दूसरी स्थान पर आया वायु उस तत्व की उत्पत्ति हुई फिर आकाश वायु फिर अग्नि की उत्पत्ति होती है उसके बाद में कहते जल की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद में पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है अगर बात करें तो आकाश को हम टच नहीं कर सकते अति सूक्ष्म है वायु को फिर भी थोड़ा सा हम स्पर्श कर लेते हैं स्पर्श मतलब जैसे पंखा चलता है आंखें बंद तो हमें स्पर्श हो जाता है वायु का है ना अग्नि तत्व की बात करें तो यह और भी ज्यादा करते अग्नि को उसके बावजूद जल, तो जल, जल और जल के मुकाबले पृथ्वी तत्व वाली जो चीजें होती है वो और ज्यादा स्थूल होती है पृथ्वी मतलब ठोसता का प्रतीक ठोस गुण का प्रतीक यह आपके घर में जो ईंट है उसमें भी पृथ्वी तत्व है आप जो चपाती खाते हैं उसमें भी पृथ्वी तत्व है आप जो चावल खाते हैं राइस खाते हैं उसमें भी पृथ्वी तत्व है आप कटोरी जो यूज करते हैं उसमें भी पृथ्वी तत्व है अपनी चमड़ी मांसपेशियां जो है ये भी पृथ्वी तत्व से बनी हुई है पृथ्वी नोट नोट अर्थ जल तत्व वाटर है ना अग्नि तत्व मीन्स नोट फायर जो जलती है है ना हालांकि इंग्लिश में इसको फायर एलिमेंट बोल देंगे तो इट मीन्स ये वो चीज है जो आपके टेम्परेचर का प्रतीक है किसी भी चीज के टेम्परेचर का प्रतीक है अग्नि तत्व है ना उसके रूप आदि का प्रतीक है वो चीज वायु की बात करते हैं तो जो स्पर्श का प्रतीक है जिसमें स्पर्श गुण आ जाता है वो सब वायु तत्व तो तो प्रधान है आकाश की बात करें तो शब्द गुण से प्रधान है इन पर चर्चा करेंगे डेप्थ में बहुत अच्छे से जल की बात करें तो जो रस का गुण है है ना किसी भी चीज से आपको टेस्ट आता है जल तत्व जितना ज्यादा होगा उसमें उसमें हमें रस आता है जितना कम होता जाएगा रस कम होता जाएगा उस वस्तु का जैसे ईंट में रस नहीं है जरा हमें आता ही नहीं है रस है ना गन्ने में रस बहुत ज्यादा आता है क्योंकि उसमें जल तत्व ज्यादा है तो ऐसे ही पृथ्वी तत्व की बात करें तो इसकी बात करें तो यह स्थूलता आकार प्रदान करती है पृथ्वी तत्व किसी भी चीज को आकार प्रदान करता है पृथ्वी तत्व किसी चीज में कम होगा तो उसका आकार नहीं होगा जैसे गैस होती है तो उसका कोई आकार नहीं होता है जल होता है उसका आकार नहीं होता है स्पेशल परंतु जैसे जैसे पृथ्वी तत्व बढ़ता जाता है जल में या गैस में तो एक शेप लेने लगता है जैसे जल जो है बर्फ का टुकड़ा बन जाता है तो एक शेप ले लेता है स्पेशल है ना अदरवाइज उसमें जो है शेप नहीं होती तो ये पांच तत्व है पंच महाभूत तो हमेशा याद रखेंगे आकाश पहला तत्व है हमेशा सूक्ष्म है ये अति सूक्ष्म हमेशा का नियम है फिर आकाश सूक्ष्म से स्थूल सबसे पहले कहते हैं आकाश आया उसके बाद में वायु तत्व फिर उसके बाद में अग्नि तत्व फिर उसके बाद में जल तत्व और अंत में पृथ्वी तत्व इस तरीके से पंच तत्वों का निर्माण हुआ है ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत है आपको मानकर ही चलना है कंठस्थ करना ही करना है इस चीज को ठीक है आकाश फिर वायु फिर अग्नि जल और पृथ्वी आपसे प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में पंच तत्व है ना को सूक्ष्म से स्थूल की ओर सीक्वेंस में अरेंज करें तो सूक्ष्म से जब स्थूल रखेंगे पंच को तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ऐसे रखेंगे हमेशा जब आपसे प्रश्न आए कि इन पंच तत्वों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर रखें तो फिर पृथ्वी को आप पहले ले आएंगे और आकाश को बाद में कर देंगे क्लियर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है काफी बार प्रश्न यहां से रिपीट होता है आपका कोई बच्चे कुछ विद्यार्थी ऐसे जो वाईसीबी की तैयारी कर रहे हैं आपने से है तो वो भी इन चीजों को ध्यान रखें ये करेंगे संहिता, जब आएगी हमारी आगे तो उनको डेप्थ में एक घंटे का लेक्चर होगा केवल इसी के लिए पंच तत्वों पर ही अभी के लिए आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर के लिए आकाश तत्व की जो तन्मात्रा या विषय है वो क्या है आपका शब्द वायु की बात करें तो स्पर्श है अग्नि की बात करें तो रूप है जल की बात करें तो रस है और पृथ्वी की बात करें तो गंध है है ना ये इनकी तन्मात्राएं हैं तन्मात्राएं मीन्स जिनको हम विषय कहते हैं कि इंद्रिया कैसे फील करती है शब्द किसका किस, किस इंद्रिय से संबंधित है करण इंद्रिय से स्पर्श की बात करें तो त्वचा से स्पर्श होता है रूप की बात करें तो आंख से हमें रूप दि, रूप दिखता है आंख जिसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में चक्षु बोलते हैं रस की बात करें तो जीव्वा से फील होतेरस और कोई साधन नहीं है हमारा गंध की बात करें तो जो हमारा नासिका होती है जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं घ्राण बोलते हैं घ्राण नासिका को ठीक है तो नासिका या घ्राण इंद्रिय से गंध का ग्रहण होता है ये हमारे सिस्टम है सारे के सारे अब तो ये चीजें मैंने बताई थी त्रिदोष तीन है वात पित्त कफ और पंच महाभूत है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत है इन पंच महाभूतों के ये ये इनके विषय हैं ये ये इनकी क्वालिटी है इस इस तरीके से इंद्रियों से संबंधित होते हैं अब मैंने पंच महाभूत क्यों बताने जरूरी समझे क्योंकि ये जो पित्त कफ है ना ये कैसे हैं? वात जो है वो आपकी मैंने पहले कहा कि पंच तत्व थे कौन कौन से थे आकाश आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत हैं अपने पांचों महाभूत जो वात पित्त कफ से कनेक्टेड है सृष्टि में जो भी चीज है आपको स्थूल दिखाई दे सूक्ष्म दिखाई दे गैशियस पार्ट दिखाई दे या आपको लिक्विड पार्ट दिखाई दे या आपको हार्ड चीज दिखाई दे कोई भी चीज पृथ्वी के अंदर अगर एग्जिस्ट करती है वो है ना पूरे वर्ल्ड में है ना अगर एग्जिस्ट करती है तो वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बनती है ये हमारी शास्त्रों की मान्यता है है ना ऐसा हम मान के चलते हैं और ये रियलिटी भी है मान्यता तब तक है जब तक इसको पूरी दुनिया मान नहीं लेती क्योंकि हम अभी तक इसको हम ही मानते हैं इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी बनी रहती है तो ये सत्य है पूर्ण रूप से इसमें कोई नकार नहीं सकता इसलिए ठीक इस है इनसे प्रपंच। प्रपंच जो चीज बनी, इन बनी है वो सारी सारी पंचभूतात्मक है मतलब पांचों चीजों से बनी हुई है हर चीज सृष्टि में चाहे वो गैस है जो एयर आपकी पंखे से चलती है उसमें भी ये पांचों तत्व रहेंगे कम ज्यादा मात्रा में होने के कारण वो कोई चीज हमें गैसियस पार्ट दिखेगी जैसे मान लो किसी में वायु तत्व और आकाश तत्व तो ज्यादा है पृथ्वी तत्व तो बहुत कम है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो स्टेट होगी वो कैसी होगी गैसियस स्टेट होगी किसी तत्व में किसी चीज में हार्डनेस ज्यादा है मीन उसमें पृथ्वी तत्व तो बहुत ज्यादा है बाकी चीजें कम मात्रा में है पर है जरूर ऐसा नहीं कह सकते कि सर इसमें से पृथ्वी तत्व तो नहीं है या इसमें आकाश तत्व तो नहीं है सृष्टि में जो भी चीज है सभी के सभी पांचों एलिमेंट से बिल करके बनती है प्रपंचात्मक है ठीक है इसलिए प्रपंच कहते हैं जगत एक प्रपंच है ठीक है इसके कई अर्थ ले लिए जाते हैं

पहले दो तत्व प्रधान होते हैं पंचो महा पंच महाभूत वात में होंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचों से मिलकर के बनेगा परंतु प्रधानता किसकी रहेगी प्रधानता है ना हैवी आकाश और वायु इसमें सबसे प्रधान रहते हैं वात में आचार्यों का ऐसा मानना है अगले दो तत्वों की बात करूं मैं नेक्स्ट जो वायु के बाद में अग्नि और जल ये तत्व की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या प्रधान रहेगा ये पित्त प्रधान है ठीक है मतलब अग्नि और जल जो है मुख्य रूप से किसमें प्रधान रहेंगे आपके पित्त जो एलिमेंट है पित्त नामक त्रिदोष में से एक है उसमें प्रधान रहेंगे अगली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आपका कफ है कफ जो है वो जल और पृथ्वी के संयोग से निर्मित होता है मतलब ये सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आकाश और वायु तत्व तो किसमें प्रधान है वात में अग्नि और जल तत्व तो किसमें प्रधान है पित्त में कफ में क्या प्रधान है कफ में ये दो तत्व जिसको बात करें जल और पृथ्वी ये कफ में प्रधान है पांचों तत्वों को अगर सीरीज में रख लिया तो वात पित्त कफ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वात ये पित्त हो गया और ये दोनों कफ के लिए हो गए ठीक है तो वात पहले आ गया दो तत्वों के साथ अगले दो तत्वों के साथ पित्त आ गया आगे एक ही तत्व बचता पृथ्वी तो वो साथ में लास्ट वाले के साथ कनेक्शन करेगा कफ का निर्माण हो जाएगा ये चीज होगी वात पित्त कफ में किस में क्या प्रदान होता है ये प्रश्न आता है एग्जाम में इसलिए मैंने इस चीज को कोरिलेट करके बताया आपको चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर लें

त्रिदोष में मैंने क्या बताया है वात में आकाश तत्व आकाश और वायु बताया पित्त में अग्नि और जल बताया कफ में जल और पृथ्वी तत्व बताया वात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो वायु तत्व है वह क्या है गतिमान है गतिमान है वायु तत्व पृथ्वी तत्व अपने आप चल नहीं सकता अग्नि तत्व नहीं चल सकती वायु ही है जो सभी चीजों को गति करवाता है इसीलिए इन त्रिदोषों में से वात पित्त कफ में से देखेंगे कि वायु जो है केवल और केवल वात में है तो इसलिए एक श्लोक आता है Osionfish. एक कथन है कि हैितम पंगु कफम पंगु है ना कफ भी पंगु है पित्त भी पंगु है दोनों के दोनों पंगु एक तरह से हैंडीकैप है लंगड़े हैं है, है ना चल नहीं सकते कहते इनको चलाने वाला कौन है वात है। वात ही है 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 ही जो इसको नियते, है इसको नियते ले ना लेकर के जाता है कहीं भी गति करवाता है तो वात पित्त और कफ दोनों पंगु है ये चल नहीं सकते मतलब गति नहीं कर सकते वात ही है जो गति करवाता है और अब ये बात है ना देखो इसको जोड़ेंगे कैसे हमें पता है कि हमारा प्राणायाम या कुंभक प्राणायाम या कुंभक ये जो विधि है ये दोनों की दोनों टेक्निक्स है ये किस तत्व से संबंधित है वायु तत्व से वायु तत्व से वायु का ही अभ्यास किया जाता है इसमें हम कोई खाना नहीं खाते हैं कोई जल नहीं पीते हैं केवल प्राणायाम को हम वायु को रोकते हैं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी विधि से चाहे वो भस्त्री हो चाहे वो आपका शीतकारी हो शीतली हो भ्रामी हो आदि वायु तत्व प्रधान है सारी सारी तो मतलब क्या है कि जो रोग होगा ना रोगों को होने का कारण नए तो पित्त है एक्चुअली में और नई कफ है इन दोनों को गति करवाने वाला कौन है वात तत्व तो ये वात ही है सारे के सारे क्लेश की जड़ ये अपना स्थान इधर उधर करेगा तो पित्त और कफ का भी स्थान ऊपर नीचे कर देगा ही। इनका स्थान भी तो इसका मतलब वात को हमें नियंत्रित करना है ठीक है तो वात की अगर बात करें इनके स्थान की अगर बात करें शरीर में मोटे तौर पर फिर मैं ध्यान देता हूं मोटे तौर पर जब आप ग्रंथों को डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपको चेंजेस और पता लगते हैं गहराई से चीजें पता लगती है ओवर तरीके से देखते हैं तो हमें इतना ही पता लगता है कि वात का जो स्थान है आपके नाभि से जो नीचे का स्थान माना जाता है वो वो वात का 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 स्थान स्थान मान लिया जाता है है ओवरऑल पित्त जो हमारा हृदय से लेकर के लगभग नाभि तक का एरिया एरिया मतलब जठराग्नि वाला वाला पेट खाना पचने वाला वो सारा पित्त का एरिया है और उससे ऊपर छाती से हृदय से ऊपर जो है हमारा कफ का एरिया माना जाता है ना इतना मोटे तौर पर है जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो और चीजें पता लगती है हमें और भी इनके स्थान है मोटे तौर पर यही है वात की अगर बात करें तो वात में कहा जाता है कि अस्सी प्रकार के रोग हो जाते हैं जब वात विकृत हो जाएगी ना ऐसा चार्य गण मानते अस्सी प्रकार के रोग हो जाते हैं रोग कितने होते हैं कौन से होते हैं उनका जानना हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पित्त अगर विकृत हो जाए तो कहते होने वाले रोग कितने हैं चालीस प्रकार के रोग माने जाते हैं कफ अगर विकृत हो जाए तो कितने रोग माने जाते हैं बीस प्रकार से याद रखने का तरीका क्या है वात पित्त कफ आपने रख लिया वात पित्त और कफ ये लिख दिया नीचे से शुरू हो जाओ बीस बीस दूनी चालीस चालीस दूनी अस्सी तो कफ से कितने प्रकार के रोग होंगे बीस पित्त से चालीस प्रकार के और वात से अस्सी प्रकार के रोग होंगे ये है, सिंपल सी है, अब आते है नहीं सकते क्योंकि वायु तत्व तो ही नहीं तो वायु ही जो है गलत गलत स्थान में जा सकती है अब वायु का मुख्य स्थान क्या था यहां हमने देखा कि नाभि से नीचे था मुख्य स्थान हमने देखा बट ये जो होती है अपना स्थान ऊपर नीचे हो सकता है तो इसका स्थान अगर हमने अभ्यास किया इसका अब कुंभक का तो अपना स्थान गलत चली जा सकती है कोई कोई ना तरीके से तो हमने अगर कुंभक का गलत अभ्यास करेंगे तो वायु गलत मार्ग में चली जाएगी जिससे वायु जो होती है अंगों में फंस जाएगी और वहां पर गांठ का रूप ले लेगी वहां पर एक गांठ बना देगी जैसे क्या क्या रोग हो सकता है अर्थराइटिस आदि अर्थराइटिस हो गया है ना गठिया हो गया या कोई ज्वाइंट्स में पेन हो गया कटक कटक की आवाजाना किसी टाइप की ऐसे रोग बना सकती है घाट आदि बना सकती है इससे कहते वायु अगर पित्त के एरिया में आ गई मतलब पेट वाले एरिया में अगर आ गई तो इससे क्या हो छाती में दर्द हो सकता है बगल में दर्द हो सकता है पीठ साइड में पीठ में दर्द हो सकता है मतलब पेन पैदा होता है हमेशा ही वायु के कारण वायु तत्व या वात तत्व की मैं बात करूं वात के कारण हमेशा लगभग जितने भी दर्द वाले रोग होते हैं ना दर्द वाले रोग जिसमें भी पेन होता है वो सारे के सारे लगभग वात के कारण ही होते हैं मोटे तौर पर मोटे तौर पर बात बोल रहा हूँ फिर ध्यान रखना आप है ना वात के कारण ही होते हैं हमेशा रखना में, में पेन, या जो भी आप, कमर दर्द हो गई, चोट हो गई तो में, दिक्कत आ के में दिक्कत आ तो के जो गुण है उनका अगर हम उपचार कर दें किसी भी तरीके से तो उनको आराम मिल जाएगा एक छोटी सी बात मैं अगर करूं जैसे अर्थराइटिस होता है तो अर्थराइटिस के रोगी हैं उनको दिक्कत कब होगी सबसे ज्यादा जब सर वायु के वायु उनकी बढ़ जाएगी जैसे वात कब बढ़ती किस महीने में बढ़ती है वर्षा के दिनों में वात बढ़ती है वर्षा के दिनों में बरसात के दिनों में तो वात बढ़ेगी तो अर्थराइटिस के रोगियों को और ज्यादा पेन होगा सर्दी सर्दी आएगी तो वात के गुण बढ़ गए उसमें तो इससे और उसको नुकसान होगा उसको और पेन होगा जैसे जैसे गर्मी आएगी अर्थराइटिस के रोगी का शरीर खुलने लगता है रिलैक्स हो जाता है है ना घटियादि के रोगी या जिसका जो भी पेन है कम पेन फील होता है सर्दी में या बरसात की ऋतु में सबसे ज्यादा पेन फील होता है शरीर में कारण क्या है क्योंकि उस समय वात ज्यादा बढ़ जाती है तो वात के कारण हमेशा दर्द वाले रोग होते हैं मोटे तौर पर ये तो इसके लिए क्या कहा तेल की मालिश गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं घी खीर के साथ खा सकते हैं ऐसी बातें इन्होंने मोटे तौर पर की है यहां तक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास बात निकल के नहीं आई है कॉमन बात आई है ऑलरेडी आप लोगों को पता है अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात आएगी वायु का अगर कफ स्थान में प्रवेश हो जाए तो कफ का स्थान कौन सा था छाती से ऊपर तो छाती से ऊपर वाले रोग कौन से हो सकते हैं हृदय हो सकते हैं खांसी रोग हो सकती है हिचकी हो सकती है दमा हो सकती है सिर में दर्द ये हो गई पित्त वाले स्थान में जाएगी तो पित्त वाला स्थान कौन सा था हमारे छाती से और ना, नाभि के आसपास का एरिया था तो छाती बगल और पीठ इतने में दर्द आया है ना और यहां पर कफ के स्थान में गई तो कफ का स्थान क्या था छाती से ऊपर तो छाती में हृदय आ जा वहां पर दिक्कत हो सकती है खांसी गले में आ गई हिचकी भी गले में दमा छाती लंग्स में आ गया और सिर दर्द ऊपर कफ का एरिया तो वहां पर दिक्कत हो सकती है सर स्थिति में क्या करें कहते बलि प्रकार भोजन करके मुंह साफ करके दो तीन बार कुंभक का, का तो वारुणी धारणा होती है जल तत्व तो पर धारणा की जाती है तो उसको कहते हैं वारुणी धारणा है ना कहते हम कर सकते हैं ठीक है ये भी कर सकते हैं अथवा वारुणी धारणा का मतलब एक ये भी होता है जैसे दुग्ध आदि का पान करना कहते हैं वो भी हम कर सकते हैं Okay. सबसे इंपॉर्टेंट कहते इससे होगा क्या फिर अगर ऐसा हम करेंगे करेंगे दूध में घी खाएंगे ये करेंगे, तो कुष्ठ और दूर होंगे इतना तक जाए याद तो अच्छी बात है सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बनता है सभी दोषों की शांति के लिए तीनों दोष कफ त्रिदोषों की शांति के लिए क्या करना बताया गया है भूमि पर चित्र लेट करके प्राणायाम लेट का मतलब क्या है कि आप शवासन की स्थिति में लेट गए और वात पित्त कफ कुछ भी इंबैलेंस है उस स्थिति में लेट करके अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो कहते तीनों दोषों की शांति हो जाती है ठीक है अब मैं फिर बता देता हूं कि कहीं आपने ये पढ़ लिया अब ये लाइन तो आज से आप जो है बैठ करके अभ्यास कर रहे थे इतने दिन तक किसी भी प्राणायाम का और आज से लेट करके न शुरू कर दें ठीक है आपको कंटिन्यू जैसे करते हैं आप वैसे ही करें ये केवल रोग की स्थिति में सभी दोषों की शांति के लिए भूमि पर चित्र लेटकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही लाइन इंपॉर्टेंट आपकी ओनली यही इसके अलावा जो चीजें हैं वो केवल घुमाने के लिए वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी जब हम सेवेंथ यूनिट में आएंगे सेवंथ यूनिट में हम आयुर्वेद का परिचय पढ़ेंगे तो वहां पर हमें अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यही सारी चीजें रिपीट होनी है ये जो चीज है यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भूमि पर चित्त लेकर प्राणायाम करने का करना चाहिए इतने में, में आपका गैरेंट सी हट प्रदीपिका आपकी कंप्लीट होती है सभी विद्यार्थियों को सभी का धन्यवाद यहां तक किसी भी विद्यार्थी का प्रश्न है तो प्लीज एक या दो प्रश्न पूछना ताकि आज हम क्वेश्चन पर भी चल सके ना क्वेश्चन पूछ सके हाँ जी सर लास्ट स्लाइड ओके मैम ठीक है लास्ट स्लाइड ये है हाँ जी बोलिए हाँ यही है फर्स्ट हाँ कोई और प्रश्न किसी प्राणायाम चलता है में कुंभक में बताते, नाड़ी का ही समय की मांग होती है ना वैसे वैसे हम चीजें करवाते हैं जैसे सूर्य नमस्कार करवाते होंगे आप सभी को किसी को भी या आप करते हैं जब आपने पहले दिन किया होगा तो आपसे अच्छे से नहीं हो पाया होगा जैसे आज हो पा रहा है तब आपके लिए वही सूर्य नमस्कार था उसी का नाम सूर्य नमस्कार था अगर वो कोई पद्धति चल जाती तो वो कंटिन्यू हर कोई वैसे ही करता सेम जब हम नाड़ी शुद्धि का करते हैं अभ्यास तो नेवर जितनी भी नाड़ियां उनकी शुद्धि के लिए करते हैं अभ्यास परंतु हर कोई कुंभक लगाएगा तो उसको रोग ज्यादा आ जाएगी बुखार हो जाएगी आप देखेंगे प्रारंभिक अगर अगर किसी व्यक्ति को अगर आपने अनुलोम विलोम करवा दी ना तीस तीस मिनट कंटिन्यू तीन चार दिन अनुलोम विलोम मात्र हो सकता है उसको रोग आ जाए नॉर्मल अगर वो ज्यादा हेल्दी नहीं है उसको ऑलरेडी रोग है कुछ अंदर दबे हुए रोग है ना शरीर अच्छा नहीं है तो उसको बुखार वगैरह आ सकती है तो नाड़ी शुद्धि अगर वो कर लेगा व्यक्ति उसको तो और ज्यादा गंभीर रोग हो जाएंगे तो इस परिस्थिति में रोग नहीं आए जिससे उनके योग के प्रति रुचि बनी रहे तो ये हम जैसे व्यक्ति ही डेवलप कर देते हैं इन चीजों को ना इसी टेक्स्ट में अनुलोम इसी टेक्स्ट में पंचम उपदेश में ऐसा कुछ नहीं है ना नहीं 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 टेक्स्ट में कहीं अपने को नहीं मिलता है अनुलोम विलोम वर्ड अगर मैं बात ऐसा नहीं मिलता है वहीं का वो पढ़ाते। तो ने बताया था कि स्वामी राम जी और वो चरण दास जी जो उनका है कि आप मतलब बगैर उसके ही ऐसा करिए अठ प्रदीपिका में ऐसा नहीं है गिरण संहिता में जरूर मिलेगा हमें वात कर्म कपाल बत्ती मिलेगा

थोड़ा सब्जेक्टिव था सर सर आपने सवा करोड़ ले बताए थे उसमें से मुख्य एक नाद अनुसंधान को बताया सर तो उसमें जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नाद बताए थे सर जो बाकी के जो बचे हुए ले हैं क्या उनमें भी इसी प्रकार की आवाज आती है सर नाद ऐसा कहीं पे है श्लोक हाँ, में या नहीं है बस हाँ। पूछना नहीं धर्मेंद्र जी ऐसा कहीं नहीं है पूरी नहीं। बुक में नहीं है सर पूरी बुक में नहीं है ठीक है सर थैंक यू सर सर हाँ जी शीतकारी जो कुंभक है उसमें एक लाभ है योगिनी चक्र सम्मान्य सुशीला जी बोल रहे हैं क्या है और, हाँ सर हाँ उसका मतलब पूछ रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं आप हाँ ये योगिनी चक्कर का है और क्या मतलब है इसका योगिनी चक्र सम्मान्य का मतलब ये है कि योगिनिया है ना फीमेल साधक जो है योगिनी चक्र सम्मान्य चक्र मतलब एक समूह के रूप में लिया गया शब्द शब्दकार थे चक्र का मतलब वो चक्र भी होता है जो चक्र नव चक्र की बात करते हैं की वो भी होता है चक्र का मतलब कहता है योगनियों के समूह द्वारा सम्मान्य है सान्य है सम्मानित होता है वो साधक सम्मानित ठीक है कि योगनियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योगिनियां जो होती है कहते हैं सिद्ध योगनियां कहते हैं उनके द्वारा भी सम्मानित होता है अतिशोक्ति के रूप में वर्ड यूज कर देते हैं बहुत सी बार ठीक है सर हाँ सर ये जो ब्रह्म नाड़ी और ब्रह्मरंदर सेम ही चीज है इनमें कोई फर्क है ब्रह्मरंदर और ब्रह्म नाड़ी दो चीज है ब्रह्माड़ी जो होती है ब्रह्मरंदर मतलब उस नाड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता है ना ठीक है नाड़ी जो होती है कहते हैं सुषमा के अंदर एक नाड़ी है एक चित्रा है और उसके अंदर कहते हैं ब्रह्म नाड़ी जिसमें कुंडली एक्चुअल में, में ट्रेवल करती है हम सुनते केवल सुषमा ही है ना प्रारंभ में बाद में जैसे जैसे अंदर गहराई में जाएंगे तो आप चित्रा और ब्रह्म नाड़ी के बारे जाने में जानेंगे जिसमें आपकी कुंडली कहते हैं ट्रेवल करती है उसके अंदर है ना ऊपर तक ओके हाँ जी ठीक है थैंक यू सर ओके तो मैं आगे प्रश्नों पर लेकर चलता हूं आपके प्रश्न बड़ी टॉपिक से अटके होने लग गए हैं तो मैं आपको प्रश्न उत्तर पर लेके चलता हूँ नेट जी वाले है ना उन पर तो ये हमारे प्रश्न है सिंपल सिंपल है बिल्कुल ही ऑलरेडी आए हुए हैं पी वाई क्यूज है हमारे नेट जी के जो ऑलरेडी एग्जाम हुए हैं सभी बच्चों ने लगभग कर रखे हैं ये जो नए विद्यार्थी उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान जरूर देंगे उन पर है? तो हमेशा मैं कहता हूं कि प्रश्नों को केवल और केवल करना उद्देश्य नहीं होता उत्तर निकालना उद्देश्य नहीं होता उस प्रश्न पर हर तरीके से चर्चा करना इंपॉर्टेंट होता है

चतु योग में आपको पता है आसन है फिर कुंभक है फिर मुद्राएं हैं आपकी मुद्रा के बाद में नादानुसंधान है ना नादानुसंधान है नए विद्यार्थी थोड़ा इस प्रश्न को करने की ट्रिक जरूर देख लेंगे कई बार जो है ना बच्चा आता है फिर भी ऑप्शन टिक करना नहीं आता उसे है ना फिर वो यहाँ दो लिख देगा तीन लिख देगा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है तो इससे बचने के लिए आप क्या करें रियल उत्तर क्या हो सकता है इसका ये सीक्वेंस होगी अब इसके लिए ढूंढिए कि आसन के आगे क्या लिखा गया है तीन लिखा गया तो आसन के आगे आप तीन लिखिए यहाँ पर है ना ओके okay. कुंभक को क्या बोला गया यहां प्रश्न में एक बोला गया तो कुंभक के आगे एक लगा दीजिए आप मुद्रा के आगे क्या बोला गया दो बोला गया तो मुद्रा के आगे दो लिख दीजिए आप नादान संधान के आगे धर्मेंद्र जी चार बोला गया है यहाँ है ना तो हम चार लिख देंगे तो सीक्वेंस क्या बनी तीन एक दो चार अब ये तीन एक दो चार जहां भी लिखा है वही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा तो बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है तीन एक दो चार को देखें तीन एक दो चार ऑप्शन नंबर चार जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा तो सभी बच्चों ने उत्तर ऑलरेडी दे दिया है राखी जी नीतू जी पूजा रानी जी प्रवीण जी है ना सरिता जी प्रियंका जाजरा जी किरण विश्वकर्मा जी कौशिला जी हंसिका एन जी मीनाक्षी जी सुशीला जी गौरी जी श्वेता जी निधि जी सुमन जी बविता जी अन्नु सोनी जी पूनम जी और इतने विद्यार्थी दे दिया सुमन सुहाग जी बी एस रंधावा जी मोनिका जी राजेश जटोलिया जी ओके वेरी गुड ठीक है तो ये हमारी सीक्वेंस रहेगी इसमें है ना तो ये चतुरंग योग हुआ अब आपसे एक प्रश्न और क्या बनने की संभावना है कि कुंभक का अभ्यास कुंभक का अभ्यास किसके पश्चात किया जाता है कुंभक का अभ्यास ऐसे पूछ सकता है या आ, या मुद्रा का अभ्यास किसके बाद करेंगे नादन संदान का अभ्यास किसके अनुसार किसके बाद करेंगे स्वामी स्वात्मा के अनुसार है ना अठ प्रदीपी के अनुसार तो कुंभक का अभ्यास किसके बाद करेंगे इसके लिए आपका प्रश्न जो होता है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए जनरली हमें पता है सर आसन के बाद में होगा यह बात क्लियर है अब ऑप्शन में एग्जामिनर क्या देगा आपको आसन शब्द ही नहीं देगा देगा षटकर्म के बाद मुद्रा के बाद समाधि के बाद है ना या फिर उसके अपने आसन से पूर्व आसन से पूर्व मीन पहले तो अब आपको पता है कि हमें आसन स्वतंत्र है फिर उसके बाद में कुंभक है बट कुंभक से पहले बताया था कि नाड़ी शुद्धि करनी है और वो किससे संभव है षटकर्मो के द्वारा तो मतलब कुंभक का अभ्यास किसके बाद में करना चाहिए आपको षटकर्म के बाद आसन से पहले का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता आसन के बाद में करना है तो षटकर्म से के बाद में कुंभक का अभ्यास करने की सलाह दी गई है स्वामी स्वात्मा जी के द्वारा या फिर किसी भी टेक्स्ट के अनुसार कुंभक का अभ्यास हमेशा ही क्लीनजिंग टेक्निक को करने के बाद में ही आप करते हैं सिंपल सी बात है आप ध्यान रखें सभी विद्यार्थी ओके okay, वेरी गुड मैम हाँ जी गौरी जी हेल्प कुंभक अभ्यास श्वास के बाद ही होगा असब के बाद नहीं होगा मैम इसकी गहराई को समझिए प्रश्न की गहराई को है ना मानसी जी मैंने ये बोला कि आपका प्रश्न आ गया कुंभक का अभ्यास है ना किसके बाद करें किसके तुरंत बाद करना चाहिए ऐसे आ गया मान लीजिए आपको ऑप्शन में मिला क्या क्या आसन मिल गया है ना मुद्रा मिला ध्यान मिल गया और समाधि मिल गया चार ऑप्शन है तो जनरल सी बात है मानसी जी आपका उत्तर आपका यही यही रहेगा सभी बच्चों का कि सर आसन के बाद करना है हठ प्रदीपिका, प्रदीपिका के अकॉर्डिंग हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग प्रश्न की भाषा ये भी ध्यान रखना हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ठीक है ये प्रश्न हो गया अब आपका सेम प्रश्न रहा प्रश्न सेम है बट ऑप्शन में क्या चेंज हो गया ऑप्शन में आसन नहीं दिया गया आसन क्या दे दिया म दे दिया तो अब आप समझ जाएंगे कि मुद्रा ध्यान समाधि इनके बाद में तो मतलब ही नहीं पैदा होता तो उत्तर क्या होना मतलब चाहिए पूछा कैसे है प्रश्न उस पर भी डिपेंड करता है आपके प्रश्न का उत्तर है ना ये मैं बताना चाह रहा हूं क्या मानसी जी आप समझ गए मेरी बात को सभी बच्चे समझ गए होंगे ओके थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्वेश्चन रितिका मेहरा जी पूजा रानी जी जीएम योगा जी किरण विश्वकर्मा जी मनीष नांदल जी उत्तर देंगे इसका मोनिका सांगवान जी प्रवीण कुमार जी प्रकाश डोगाटे जी सभी उत्तर देंगे इसका रूप सिंह साहू जी रूप सिंह सोनू जी, सोनू जी हाँ हाँ जी सुमन कांता जी जी हाँ जी क्रम बताना है। हाँ, क्रम हाँ, बताना है है बोल के मैम चलेगा हाँ जी। वस्ती, नेती, त्राटक नौली फिर लास्ट तो हाँ? और फिर नौली, और फिर है हमारी कपालभा तो हमेशा पहले मैंने बताया कि इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उनके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले रियल में जो सीक्वेंस पता है उसको आप लिख ले जैसे हमें सीक्वेंस हमें रियल में पता है इन ऑप्शनों की तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है पहले लिख लिया अब इसके बाद में हम देखेंगे दोती के लिए क्या टर्म आया एक टर्म आया तो दोती के आगे हम एक लिखेंगे बस्ती के लिए दो आया तो दो लिख देंगे नेति के लिए तीन आया तो तीन लिख देंगे त्राटक को कहाँ रखा गया पांच नंबर पर रखा गया ध्यान देखेंगे त्राटक के लिए पांच रख दिया नोली के लिए क्या टर्म आया चार आया तो नोली के लिए चार रख देंगे कपाल भाती के लिए क्या आया छह टर्म आया तो छह लिख दिया एक दो तीन पांच चार और ये जहां पर भी है वो राइट आंसर हो जाएगा पांच पहले होना चाहिए चार बाद में चाहिए एक दो तीन पांच चार और ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर तीन जो है वो राइट हो जाएगा वेरी गुड है ना सभी बच्चों ने सभी ने उत्तर दे दिया राइट ओके okay, बहुत बढ़िया है ना तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा राइट ओके बहुत ही बढ़िया तो ये ध्यान रखना इस चीज को इस इन प्रश्नों का उत्तर देने की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए अदरवाइज प्रश्न आते हुए प्रश्न है।, है? है आपका और एक मैं बच्चों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे जिन्होंने कोर्स परचेज किया कुछ बच्चे ऐसे है जो लाइव क्लास में नहीं आते खैर हमेशा ही ऐसा है हर बार ऐसा होता है कि कोर्स खरीदते हैं बच्चे बट लाइव क्लास में नहीं आते हैं, टाइम नहीं होता है बट अगर आपके साथ भी ऐसी सुविधा है ना मतलब उपलब्ध ना समय के साथ आप मैच नहीं कर पाए तो आप क्लासेस की रिकॉर्डिंग लाइव वाली जरूर सुने हर दिन क्योंकि उसमें मैटर आपको ज्यादा मिलता है सी बात है, है ना रिपीटेशन ज्यादा होता है हर चीज का तो उससे जुड़े रहेंगे आप कंटिन्यू रहें उस चीज के साथ ओके तो कपाल भाती के लिए अगर हम बात करें कि क्या क्या होता है तो कपाल भाती की स्पेशलिटी क्या थी कपाल भाती में दो चीज होती है आपकी कि एक तो डेली बस्त्रावल लोहार कश्य रेचपुरसो रेचक और पूरक ये होगा दो चीज होंगी आपकी टेक्निक दो चीज होनी ही होनी है रेचक पूरक दोनों होगा है ना तो अब और किसके समान करना है लोहार की धोखनी के समान करना है लोहार की धोखनी के समान करना है रेचक पूरक करना है और एक टर्म और थी इसके लाभ की बात करें तो लाभ क्या है कफ दोष विशोषणी कफ रोगों का नाश करता है कफ रोगों पर एक्टिव है, है ना 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 तो पित्त पर पर ही वात पर. केवल कफ रोगों का इंपोर्टेंस बताइए हठ क्या होता है हम श्वास को निकालते हैं ना एक्सहेल करते हैं और पूरक में इनहेल करते हैं इनहेल ठीक है तो प्रश्वास का मतलब अब जैसे आप लोगों के लिए हो सकता है टिपिकल वर्ड हो तो एक जगह प्रश्वास लिखा है एक जगह निश्वास लिखा है तो इसका मतलब एक में श्वास लेना या एक में छोड़ना तो दोनों चीजें सक्रिय है एक्टिव है इसमें प्रश्वास भी होता है निःश्वास भी होता है तो दोनों के दोनों चीजें जो हमारी होती है के दोनों होती है इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर चार रहेगा सभी विद्यार्थी बहुत ही बढ़िया सभी ने सही उत्तर दिया ओके। है ओके नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देंगे ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग ऑप्शन कौन सा ठीक है नंबर एक दो तीन चार इस तरीके से मानसी जी जी एम योगा जी अन्नू जी आरुषि जी बी एस रंधावा जी बबीता जी बीना बिंदल जी भूपेंद्र जी धर्मेंद्र जी दीपिका जी गौरी जी, अंशिका जी हिमानी जी कौशिला जी किरण जी मनीष जी मीनाक्षी जी मोनिका जी नीतू जी निधि जी प्रवीण सर अमनदीप जी पूजा जी पूनम जी प्रकाश जी प्रियंका जी राजेश जी राखी जी रेणुका जी रितिका जी रूप साहू प्रिय धर्मेंद्र जी

मीन्स जो खाने योग्य नहीं है सिंपल सी बात है सर खाने योग्य है दूध के सारे प्रोडक्ट खाने योग्य है बस दूध से बने हुए वो प्रोडक्ट जो खट्टे हो वो कभी नहीं खाने खट्टे में तो कुछ भी है खाना ही नहीं है शुरुआत में कह दिया क्या क्या कहते हैं कटु अमल तीक्षण मतलब अमल मतलब खट्टापन कहते ऐसी वाली चीज कोई खानी नहीं है तो खट्टी दही होती है सर ये भी ए है और पूछा भी एपथ्य आपसे ये ध्यान देखना सेम प्रश्न एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम में फिर पूछ सकता है और यहाँ पर क्या टर्म दे देगा केवल पथ्य लिख देगा सेम ऑप्शन रहेगा सब कुछ रहेगा ए पथ्य जब पत्थर कर देगा तब आपका ऑप्शन बी और डी हो जाएगा

है पूछा है या नहीं पूछा है तो है है ना? तब आपका क्या होगा ए सी होगा इट मीन पूछना पथ्य कौन सा था बट अभी आपका ऑप्शन ए और सी है सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे इसको ओके okay. तो बीना जी बहुत बढ़िया बीना बिंदल जी है ना तो राजेश जी हाँ बिल्कुल राजेश जी बिल्कुल है ना कोई मनाही नहीं है आगे नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें और हाँ इनकी बात करें दूध का मतलब तो आपको पता ही है दूध को क्या बोला गया संस्कृत में क्षीर संस्कृत में आ सकता है कल को क्षीर नवनीत का मतलब क्या होता है मक्खन और ये दोनों ही खाने योग्य मक्खन भी और दूध भी दो है दोनों का पान हम कर सकते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर प्रश्न बीना बिंदल जी सबसे पहले उत्तर तो दे दिया देखते हैं सही है नहीं नी जलवान जी गौरी जी जी एम योगा अच्छा गर्म गल, गलत हो गया जी एम योगा जी आपका नाम क्या है रियल नेम बता दीजिए मुझे ताकि फिर मैं ना आपका नाम लेकर के बोल पूछ सकू आपके नाम की एडवर्टीजमेंट कर सकू मानसी जी मोनिका जी अनु सोनी जी श्वेता जी निधि जी रितिका जी पूनम जी पूनम जी आपको उत्तर बी डी नहीं चुनना है आपको देखो यही तो चीज है ना इसमें कि आपको नीचे एक दो तीन चार इन चार में से एक चूज करना है प्रश्न कर तो का उत्तर जी, 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 क्या हो सकता है नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है ये टर्म देखो एग्जामिनर ने क्या किया आपके साथ खेल खेला है यहाँ पर सीधा है ना कि वो आपको अलर्ट जागृत है या नहीं है प्रश्न पूछना उद्देश्य नहीं है उसको हर तरीके से चेक करना है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ए ग्रेड ऑफिसर है ना हर तरीके से वो चेक करेगा आपको तो लाभदायक नहीं है पूछा है तो नेत्र विकारों के लिए लाभदायक कौन सी है ये आपको पता ही है एक तो सर हमारी नेति होती है एक त्राटक होती है जिस बच्चे ने अधूरा प्रश्न पढ़ा पढ़ा ढंग से नहीं उसका उत्तर ए सी के हिसाब से एक ऑप्शन हो सकता था या कर दिया कई कई बच्चों ने लिखा भी है ये नहीं होंगे अपने ऑप्शन इन्होंने क्या पूछा लाभदायक नहीं है नेत्र विकारों में है ना तो कौन सी है बस्ती का कोई लेना देना नहीं है आंखों से नोली का कोई लेना देना नहीं है आंखों से बी और डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू जो है हमारा राइट आंसर होगा क्लियर हुई है बात है ना तो बी और डी क्यों हुआ बात समझ गए रेणुका जैन जी रेणुका मैम रेणुका मैम मोनिका मोनिका सांगवान जी अनु सोनी जी अनु सोनी, सोनी, सोनी जी आपको अक्ल अभी तक नहीं आई क्या आप इतने होशियार बच्चे हो अनु सोनी जी शायद जे टॉप करेंगे इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे अनु जी गलत बात बिल्कुल आपके मुंह से तो ये थर्ड में सुन ही नहीं सकता ना आपको सजा मिलेगी इस चीज की गलत बात ना ना बिल्कुल, सर, ना बिल्कुल ना ऐसे आपका अंधापन स्वीकार्य नहीं है है ना ना सॉरी सर याद रखूंगी अब हाँ, आप टॉपर करने वाले अफवाह उड़ी पड़ी है मार्केट में हर जगह है मेरी खुशी के ठिकाने नहीं है <laughs> आपके कारण केवल मानसी कलिता जी सुशीला बिश्नोई जी अलर्ट हो जाइए बीना बिंदल जी आपको इसलिए समझाया था ना पहले कि आपसे ये पूछते होते हैं नहीं कौन सा है हाँ कौन सा है ये दोनों चीज तो ये प्रश्न पढ़ने ही कला है अब कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर मुझे प्रश्न नहीं आता था सबको आता था, था बहुत अच्छे से आता था एक एक चीज पता थी गलती ना हुई जल्दीबाजी में उत्तर दिया बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पढ़ा इसलिए प्रश्न आपको शुरू से लेकर के आखिर तक 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 पढ़ना है लास्ट तक, लास्ट लास्ट तक, बिल्कुल तक। एक पिछली बार एक थे हमारे स्टूडेंट थे स्टूडेंट नहीं मतलब बड़े काफी है ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त थी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त थी बट क्वेश्चन वो भी आधा पढ़ते थे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने से आना? आना? है 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 ना ना इससे इंपॉर्टेंट ये कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ना आना चाहिए तो पूरा पढ़ा करो भाई क्वेश्चन वो भी ऐसी गलतियां करते थे एग्जाम में कर देते हैं तो आप लोग इसको तैयार रखें कि प्रश्न पूरा पढ़ना है पूरा आखिर तक और उसका मतलब क्या वो देखें बी और डी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दो क्योंकि आपने मैटर पढ़ लिया प्रश्न तो आ ही जाएगा बट वो सही था या नहीं था वो ध्यान रखना है ना एग्जामिनर नंबर उसी चीज के देगा ओके तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला इसका उत्तर क्या होगा हमारा बी और डी उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट टाइम में दे सकता है एग्जामिनर कि कौन सा लाभदायक है तो ए और सी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन प्रश्न ओके राखी जी आप क्यों हंस रहे हैं अच्छा, अच्छा 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 आप ही हैं क्या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके okay. तो ये चीज ध्यान रखा गया वही तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कर क्वेश्चन पढ़ना ही लास्ट से है ना कृपया माइक ऑफ कर लीजिए किसी का ना सॉरी सॉरी सर सर प्रश्न हो तो आप ऑन करिए कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न नहीं है तो आप प्लीज ऑफ रखिए ना सरिता जी प्लीज ऑफ करिए माइक को अपना सुशीला जी सुमन जी ओके सभी ने उत्तर सेम ही दिया लगभग है ना चलो देखते हैं नादन संदान की अवस्थाएं हैं सिंपल है सबसे पहले कौन सी है आरंभ अवस्था है दूसरी कौन सी है घट अवस्था परिचय उत्तर देना आना चाहिए देखो इस तरीके से लिखना है आपको समय है तो ऐसे लिखो नहीं तो जल्दी से कर दो छोटा प्रश्न है तो अगर बड़ा प्रश्न है पजल करने वाला तो पहले लिख लो सीक्वेंस एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या यही है, है। आरंभ घट और परिचय और फिर लास्ट में कौन सी होती है निष्पत्ति मीन निष्कर्ष होता है सर है ना ये दो तो आपकी कन्फर्म है पहले आरंभ होगा फिर निष्पत्ति मीन निष्पत्ति मीन निष्कर्ष ऐसे याद रख लेंगे बीच वाली दो है ये तो आरंभ को क्या बोला है यहाँ पर नंबर देखो इसका आरंभ का क्या है A है सर ए बोला आरंभ को घटावस्था को क्या बोला डी बोला इसको ए बोला इसको डी बोला और निष्पत्ति को सी बोला है परिचय को क्या लिखा है बी तो सीक्वेंस क्या बनी ए डी बी सी ये सीक्वेंस बनी अब ऑप्शन में चूज करो आप पहले ऑप्शन नहीं देखना है ऑप्शन में क्या है क्या नहीं अब ये सीक्वेंस ऑप्शन में है तो प्रश्न ठीक है अदरवाइज प्रश्न गलत है हमारा ए डी बी सी ए डी बी सी अपने ऑप्शन नंबर तीन में मिला है तो सर हमारा ऑप्शन ठीक है तो प्रश्न को आता है इसके बावजूद बहुत बार ऐसे चांस होते हैं कि बच्चे के गलत होते हैं प्रश्न आते हुए प्रश्न तो एक आदरणीय राखी जी हैं उनसे हम जरूर सीखेंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं वो भी एक दिन हमें समझाएंगे प्रश्न देना कैसे कला है उन्होंने लास्ट टाइम भी एक लेक्चर लिया था इस बार भी वो लेंगे है ना ए डी बी सी ये राइट right आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न नवंबर से हजार आए थे उसमें देखते हैं हाँ जी आरुषि जी अन्नु जी श्वेता जी मानसी जी बीना जी रितिका मेहरा जी हाँ हाँ धर्मेंद्र जी आपका भी लेक्चर करवाएंगे चिंता ना करो आपका भी होगा है हाँ ना आप उतावली नहीं हो ज्यादा <laughs> संडे के दिन करवाएंगे ना संडे के दिन करवाएंगे संडे के दिन है ना ठीक है ओके सर आपके वर्ल्ड हमारे हैं सर यही समझ लो हम तो पर्यावाची हैं आपके oh ये नए विद्यार्थियों से अवगत करवा देता हूँ धर्मेंद्र जी है ना कक्षा का माहौल बहुत अच्छा बनाने में इनका बहुत है ना योगदान रहता है हमेशा ही सारा टेक्निकल काम जितना भी होता है मैसेज टाइप करना या कुछ भी आप लोगों के संदेश पहुंचाना सब धर्मेंद्र जी का ही कार्य होता है तो इनके लिए एक बार तालियां हो जाए जहां भी आप खड़े वहां से ना ओके तो व्योम चक्र किसका समानांतर किस... अच्छा बैठे हैं क्या ठीक है ठीक है, <laughs> है। व्योम चक्र किसका समानांतर समानार्थी है व्योम चक्र तो प्रश्न पर डिपेंड करता है उत्तर पर व्योम चक्र की बात करें तो कई कई विपरीत करनी आदि को सोचते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा विपरीत करनी क्या था खेचरी मुद्रा थी खेचरी मुद्रा को सर्वेष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा कहा गया है और व्योम चक्र भी इसी का नाम है खेचरी मुद्रा को इसी में गो है और अमर वारुणी का जो पान करता है अमर वारुणी का पान करता है वही योगी क्या है कुलीन योगी है अब इसमें यह चीज भी ध्यान रखनी है कि गोमांस भक्षण ना समझ लोग इसका उल्टा ले सकते हैं परंतु आप सभी विद्वान हो चुके हैं ऑलरेडी है ना बहुत से तो पहले से थे तो गो मास में गो शब्द का अर्थ क्या था जिह्वा है ना और मांस भक्षण का अर्थ क्या किया था कि वो जिह्वा जब तालू में लग जाती है तो जो रस पान होता है, उसको था, ना? तो वो गो मांस भक्षण शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इस प्रश्न का उत्तर खेचरी मुद्रा हो जाएगा सिंपल है नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिंपल है बट एग्जामिनर के पूछने का तरीका क्या है उस चीज को आपका आंकलन करना है कि एग्जामिनर जो होता है ना

तो क्या हुआ डेढ़ सौ क्वेश्चन के लिए एक सौ अस्सी मिनट में अच्छा एक सौ अस्सी ओहो अच्छा एक पॉइंट समथिंग हो गया प्लस हो गया ना ठीक है तो कितना समथिंग उसमें ओ, मैथ, होते मै, हैं माफी मैं, माफी चाहूंगा मैम मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है माफी चाहूंगा ठीक है ओके तो एक मिनट से ज्यादा क्वेश्चन एक मिनट प्लस मिलता है आपको टाइम है ना एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आधा मिनट मिलता है अच्छा ऐसा है क्या अभी भी गलत अच्छा, हाँ, है ओके, अभी भी मेरा मैथ गलत तो है शायद तो अच्छा ओके ठीक है माफी चाहूंगा भाई ठीक है खैर चलो मैथ की बात ही नहीं करेंगे बात इतनी सी आपको टाइम बहुत ज्यादा होता है एग्जामिनर आपका टाइम कंज्यूम करवाना चाहता है उसका उद्देश्य यही है कि बच्चा टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे और उत्तर छोड़ दे प्रश्न बट अगर आप समझदार होंगे तो जल्दी से उत्तर दे सकते हैं उत्तर देने की टेक्निक आपको पता हो तो नीतिक्रम के लाभ सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक तो कपाल शोधन है ठीक है दिव्य दृष्टि है ठीक है और क्या था एक ऊर्दा जत्रु रोग थे तो ये तीन आपको पता है तो इनमें से बाकी चीजों को आप देखेंगे नहीं कपाल शोधन को चूज कर लिया पहले से ही दिव्य दृष्टि देख लिया जत्रु रोग नाच देख लिया ए बी और डी यही ऑप्शन होगा बाकी ऑप्शन को चूज ही नहीं करना है ऑप्शन नंबर टू आपका राइट टाइम बच गया पूरा पूरा डायरेक्ट आपको पता होगा तो अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी है ना फिर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है तो डायरेक्ट पता करने की कोशिश करें ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति की लंबाई की बात करें सूत्र नीति की कितनी थी एक वित्त एक का मतलब नौ इंच नौ इंच का दूसरा मतलब क्या है, बार है? अंगुल क्लियर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल. से है, नेती? नेती से है।, है इंच कितना है? दोनों में वेद होना चाहिए नेक्स्ट बात करें जुलाई दो का सिक्सटीन नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नादानुसंधान से आता है नादानुसंधान से आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों नोट करके रखेंगे इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है नादन जो कल कल किया था कल वाली क्लास का एक एक शब्द आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए कल जो क्लास की हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो ठीक है नादानुसंधान वहां से प्रश्न किसी ना किसी रूप में हमेशा ही आता है उसके लिए आप तैयार रहेंगे तो हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है ये प्रश्न आया था तो इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न कहां से है पहली बात तो चारों अवस्थाओं का प्रश्न नहीं है नाद अनुसंधान में चार अवस्थाएं होती है कौन कौन सी थी एक तो आरंभ अवस्था थी एक घटा अवस्था थी एक परिचय अवस्था थी और एक कौन सी थी लास्ट वाली निष्पत्ति अवस्था थी निष्पत्ति को कैसे याद रखेंगे विद्यार्थी निष्कर्ष से निष्कर्ष अंतर में होता है तो निष्पत्ति लास्ट में आरंभ में कौन सी ध्वनि आई थी कणक की ध्वनि आई थी कणक है ना जिसका मतलब था झण झण झनझण की ध्वनि आई थी ठीक है और घटावस्था की बात करें तो घटावस्था में कौन सी आई थी गटावस्था दूसरे नंबर की अवस्था है दो ही तो इसके लाभ बताए थे दो ही लाभ बताए थे हाँ देरी और... देरी और मर्द है ना? दो थी दो, 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 ही है, दो ही इसके लाभ है दो ही इसकी ध्वनि आती है परिचय की बात करें तो परिचय अवस्था में कौन सी ध्वनि आई थी मर्दल है हाँ ना मर्दल मीन्स ढोल हाँ ढोल की आवाज आई थी ठीक है परिचय अवस्था की बात करें और अंतिम अवस्था की बात करें जिसको हम निष्पत्ति अवस्था कह रहे हैं उसमें जो सरस्वती माता का वीणा जो है वो साउंड आई थी दो ही होते हैं। परंतु, ये जो है अवस्था के अनुसार नहीं पूछा गया एक दो तीसरी अवस्था चौथी अवस्था अठ प्रतिपिया के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है अगर आप सोचे प्रारंभ का मतलब आरंभ है तो कणक ऑप्शन में ही नहीं है तो मतलब ये प्रश्न वहां से तो नहीं है तो अब ये प्रश्न कहां से है जो नए विद्यार्थी सोचेंगे इसको जो कल मैंने ध्वनि क्रम बताया था लास्ट में है ना आदो मध्य और अंत में वहां से ये प्रश्न है वहां दिया गया था आपको आदो जलधि बेरी जलधि आदो मीन प्रारंभ में जलधि जीमूत भेरी और निर्झर झरझर संभवा झरझर मीन झरना ये चार ध्वनिया आदो सबसे पहले आएगी और फिर मध्य में मध्य की बात करें बीच में कहते बीच में भी चार ध्वनिया आएगी बीचे मर्दल मध्य मरदल शंखो तथा शंख तथा घंटा है ना बड़ा सा घंटा मंदिर में होता है उस तरीके घंटा काहल जैसा काहल मीन आपका घड़ियाल की आवाज होती है ना वैसे घड़ियाल टाइप में मध्य आदो मध्य और अंत अंत तो किंकि अंत में किंकि आवाज आती है किंकि छोटी किंकनी छोटी घंटी होती है ना उसको के शब्द में संस्कृत में लिखा गया किंकि वंशी वीणा और ब्रमर निश्वर और भ्रमर गुंजन मतलब भ्रमर गुंजन ये साउंड चार थी चार चार और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से इस चीज को है ना थोड़ा सा हम लैक कर जाते हैं कई बार पढ़ते नहीं इस चीज को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है देखो आदो मीन प्रारंभ में भी चार ध्वनिया आई जलधी जीमू तबेरी झरझर मध्य में भी चार आई मर्दल शंख घंटा घड़ियाल अंत में भी चार आई कि वंशी वीणा और भ्रमर गुंजन अंत में भी चार आई तो अब प्रश्न देखो कहां से है हठ प्रतिब के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में मीन्स आदो प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो जल्द ही मीन्स जो समुन्द्र है वो समुद्र का ऑप्शन ही नहीं है सर तो क्या जीमूत मीन्स मेघ जीमूत बोलते हैं बादल को है ना मेघ की ध्वनि ऑप्शन है क्या सर हाँ बिल्कुल है मेघ है ओके डन है सर ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल राइट है यही आती है प्रारंभ में है ना इन चारों में से कोई भी ऑप्शन होता है बेरी तो होता तो बेरी हो जाता उत्तर झरना होता तो झरना हो जाता आदो मीन्स प्रारंभ में चारों में से कोई भी मेघ है बात की जाए बाकियों की तो बाकी ध्वनिया कब आ रही है ये जो शंख है शंख की ध्वनि किस टाइम आ रही है शंख की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है स्पष्ट मध्य अवस्था में मध्य में शंख की ध्वनि आती हुई सुनाई दे रही है शंख की बात करें तो कहां पर आ रही है मध्य में शंख की ध्वनि आती है मध्य में ठीक है यहां पर हमें मध्य में और भ्रमर की बात करें भ्रमर की भ्रमर है अंत में भ्रमर गुंजन होता है और घंटे की आवाज की बात करें तो ये भी मध्य में ही आती है ठीक है तो आदो की बात करें मेघ की आवाज ही है जो सबसे पहले आ रही है तो इसको जरूर याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथे जाएगा एटी फाइव और एटी सिक्स नंबर ये श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कोशिश करें श्लोक को कंटेस्ट कर ले तो बेस्ट है आपके टीचिंग है ना जो करियर है उसमें भी काम आएगा और एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा द बेस्ट है ना इससे अच्छी ट्रिक कोई बना नहीं सकता है कुछ बच्चों ने पिछली बार ट्रिक बनाने की कोशिश की थी कि सर जैसे हम मंदिर जाते हैं वैसे घंटा बजाते हैं ये करते हैं वैसे करते हैं ऐसी ट्रिक नहीं बनाए कृपया है ना आप डायरेक्ट श्लोक को याद करिए तो ज्यादा बेस्ट है ठीक है ओके okay. सर हमारी समझ में तो आ गया था सर वो सर हाँ, लास्ट हाँ, लास्ट एग्जाम में जो आया था ना कि हेवी साउंड कहाँ से आता है तो सर फर्स्ट में आदि में हेवी आएगा हाँ, देखो और मिडिल में सर मध्यम में कैसे साउंड साँग मेरी मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मानसी जी कल भी मैंने इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की थी एक्चुअल में वो प्रश्न नाद बिंदु उपनिषद से आया था ऐसा ही था लिखा हुआ था क्या नाद बिंदु उपनिषद उसमें तो इट मीनस वहां पर हम उस चीज को देखें तो अच्छी बात रहेगी लिखा नहीं था सर उसमें लिखा नहीं था बाकी जैसा मुझे बच्चों ने बच्चों ने जैसा मुझे बताया है जैसा तक वो नाद बिंदु उपनिषद बता रहे हैं ना चलो लिखा नहीं भी है तो भी मैं उत्तर देता हूँ हमेशा ही प्रारंभ में गंभीर साउंड आती है गंभीर है ना हैवी साउंड आती है धीरे धीरे वो सूक्ष्म होती जाती है सूक्ष्म धीरे धीरे सूक्ष्म होती है बस इतनी सी बात है तो प्रश्न यही था आपका कि प्रारंभ में कैसी ध्वनि आएगी तो गंभीर आएंगी और इससे अंदाजा मतलब आइए कि सर यहाँ पर गंभीर है यहाँ पर सूक्ष्म है ऐसा नहीं है

Okay. सर श्लोक में घड़ियाल का संस्कृत में हल, क्या काहल 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 अरे मेघ की ध्वनि ए मतलब कहा इसमें तो सबसे पहले जो आपने क्रम लिखवाया है हाँ तो जी मैम मुझे तो नहीं दिख रहा है मैम एक बार आपने नाम भी बता दीजिए ताकि मैं आपकी साउंड सुन करके या हमेशा नाम याद रखूँ ना हाँ सर पूनम सिंह पूनम जी जी मैम तो डॉक्टर पूनम मैम इसमें ना देखो आप चीज देखिए आदो बात कही गई है आदो आदो में चार है। मैं इसको अलग से लिख देता हूं। क्या -क्या कहा? कहते या तो आएगी, फिर अब मैंने क्या कहा डॉक्टर पूनम जी कि ऑप्शन पर हमारा प्रश्न डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है हमें ऑप्शन में जल्द होना चाहिए था सबसे पहले आदो प्रारंभ में जलधी होता तो ठीक तो था इतना तो आप भी मान रहे हैं ना पूनम जी

सरे क्रम में जो है लि, लिखे नहीं है इसलिए मुझे नहीं, नहीं। क्रम लिखे नहीं मतलब think, था नहीं? था, बिल्कुल था। आपने लिया या नहीं लिया है था उसमें। मैं अभी भी इसमें अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ना बिल्कुल था आ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा ये रहा मैम ये स्क्रीन थी ना कल वाली ये देखिए जलधि को समुद्र लिखा गया जीमूत को मेघ लिखा गया है ना बादरा था बेरी को वाद्य यंत्र एक झरना मर्दल ये सारी चीजें लिखी हुई थी ना पूनम जी अच्छा अच्छा ओके हाँ, okay. हाँ। तो आज के लिए इतना ही बहुत है सभी का धन्यवाद थैंक यू टू ऑल हाँ जी मैम सर वो स्लाइड दिखाना कौन सी वाली मैम आगे करो जिसमें वो आदमी बना है उससे पहले ये वाली <laughs> हाँ जी मैम आज वाले में हाँ इससे पहले हाँ जी मैम ये ये कौन है ये क्या बने हैं साइड में ये मेरे से गलती हो गई ये है ना मुझे डिलीट करने थे, नहीं हुए <laughs> ये मेरी गलती है <laughs> जी आप आज भी हैं ये मेरी गलती है, <laughs> है।, <laughs> मेरी गलती है। <laughs> सर हाँ जी हाँ जी इतने बोले वाले आप हमें भी बना दो कैसे भी करके दोबारा से ऐसा नहीं हो सकता सर बताओ ना ये क्या था ये वैसे साइंस हैं जो गूगल से मैंने सर्च किया तो वहां पर ऐसे साइन बने हुए थे तो इसका मतलब देखो बात किससे बनी है प्रिय हिमानी जी इधर देखो बात जो है आकाश और वायु इन दो तत्वों तो 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 से बनी है ना तो ये तारे चमक रहे हैं ना ये इसका मतलब आकाश है है ना ठीक है और ये इस तरीके से बनाया गया ना ये ऐसे वायु का संकेत दिया गया मतलब आकाश और वायु से कहते हैं ये है ना पित्त की बात करें तो पित्त जो है अग्नि और जल से तो पित्त में देखो ये फोटो बना रखी एक तो अग्नि होती है और एक ये जल की लहर बना रखी है जल समझाने के लिए कफ की बात करें तो कफ में क्या करता है जल और पृथ्वी तो जल भी दे दिया इसने और पृथ्वी मतलब मिट्टी का गुण दिया मतलब आप समझ जाए फोटो देख करके ये इसका था मतलब हाँ जी समझ गए हाँ जी मैम जी मैम सर ये में आपने रेड रेड क्या कर रखा बीच में ठीक <laughs> 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 <थीके? laughs> तो है ओके आग आग okay, तो सभी का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है सभी का धन्यवाद अभी मैं समझ गया हूँ कि आपके क्वेश्चन संपूर्ण हो चुके हैं